गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 6, चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस. थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग कंटिन्यूसली. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है और ये बदलाव लगातार होता रहता है. जैसे सुबह होना, फिर नेक्स्ट डे, फिर मॉर्निंग आती है, सनसेट होना, सनराइज होना, ये सब क्या है? बदलाव है. सीजन का चेंज होना, ये सारे क्या है? चेंज, बदलाव. वुड का अगर आप किसी पेपर को बर्न करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? एशेज में. तो ये भी एक बदलाव है, एक फिजिकल चेंज है. ठीक है. तो आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो ब्रिंग अबाउट मैनी चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू कीप आइस इन दी ओपन इट मेल्ट्स. जब आप आइस को ओपन में रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो पिघल जाती है. ठीक है. तो ये भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, फिजिकल हैं या केमिकल चेंज है वो. ठीक है. अ पीस ऑफ पेपर व्हेन बर्न्ड चेंजेस इनटू एशेस. ये सारे क्या हैं? चेंजेस हैं जो हमारे आसपास दिन प्रतिदिन होते रहते हैं. When vegetables और दाल आर कुक्ड, देयर अपीयरेंस एंड शेप चेंज कम्प्लीटली. जब आप दाल बनाते हैं या खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनने के बाद उसकी शेप और टेस्ट में चेंज आ जाता है. ये भी एक बदलाव है. ठीक है. सीड का जर्मिनेट होना, सीड से एक नए प्लांट का आना, ये भी एक बदलाव है, ये भी एक चेंज है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम अराउंड अस. कुछ ऐसे बदलाव हैं जो पूरा हर समय होते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, मौसम का चेंज होना, वेदर का चेंज होना. ठीक है. मॉर्निंग में आप देखेंगे ठंड होती है तो, और बट आफ्टरनून में इतनी ठंड नहीं होती, तो मौसम भी समय समय पर बदलता है. ये भी एक बदलाव है. ठीक है. इस चैप्टर में हम दो टाइप्स के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है. The changes in which no new substances are formed and which can be generally be reversed by reversing the conditions are called physical changes. Physical changes क्या है? वो change, वो बदलाव जिसमें कोई नया, कुछ नया नहीं बनता, जिसमें कोई नया substance नहीं बनता, उसको हम physical change कहते हैं. जैसे for example, melting of ice, ये ice है, मेल्ट होके वाटर बन जाएगा, बट दोनों है तो वाटर की ही फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, बट यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से ये लिक्विड में आ गया. जब आइस मेल्ट होती है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं. आपने आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया, वाटर से आप दोबारा आइस बना सकते हैं इसको, वाटर को कंडेंस करके फ्रिज में रखने के. ठीक है. तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है. इसका मीनिंग क्या है? आइस से वाटर में चेंज हुआ, वाटर दोबारा आइस में रिवर्स होके चेंज हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल यही मेंशन किया हुआ है, आइस चेंजेस टू वाटर एंड वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. The changes are reversed by cooling. Obviously, no new substances are formed. अब ये देखिए फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, ये आइस है. आइस को अगर आप हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? ये वाटर में चेंज हो जाएगा. ठीक है. आइस को आपने हीट किया, वाटर में चेंज हुआ. अब वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो वाटर किस में चेंज होगा? वाटर वेपर्स में चेंज होगा. तो ये सारा क्या, यहाँ पे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, ये सॉलिड से वाटर में चेंज हुआ, वाटर से गैस में चेंज हो रहा है. यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज. ठीक है. आइस का वाटर में चेंज होना या फिर वाटर का वेपर में चेंज होना, ये फिजिकल चेंज है. इसको आप रिवर्स कर सकते हो, वेपर से दोबारा वाटर बना सकते हो. अगर आप इसको कवर कर देते हो तो यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? वापस वाटर में चेंज हो जाएंगे. वाटर को अगर आप फ्रिज में रखते हैं, इसको फ्रीज करेंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस में. तो ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है. आइस से वाटर बना सकते हैं एंड वाटर से दोबारा आइस बन सकता है. तो ये फिजिकल चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है. ठीक है.
एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे ग्लास पॉट, एक मिट्टी का जो ग्लास होता है, ठीक है, अगर वो टूट जाए, अगर ये ग्लास अगर टूट जाता है, ये किससे बना होता है? सॉइल से बना होता है, मिट्टी से, या क्ले हम ले सकते हैं, क्ले से बना होता है ये। तो टूटने के बाद भी यहाँ पे जो इसके पीसेस पड़े हुए, ये भी क्या है? क्ले ही तो है ये, कोई नया सब्सटेंस बना है यहाँ पे नहीं। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ये भी क्ले है और ये टूटने के बाद भी क्ले ही रहेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है? फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो इस ब्रोकन पीस को आप दोबारा से इससे ग्लास बना सकते हैं, ठीक है, इस क्ले को आप यूज़ करके दोबारा ग्लास बना सकते हैं। तो ये कैसे है? रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इसको एक फॉर्म से वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, मोस्टली जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट आर मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।